मैं इन चीज़ों से थोड़ा परे हूँ। यू नो, मुझे लगता है कि आपको कोई कैरेक्टर प्ले करने के लिए आपको इतना ज़्यादा उसके फिजिकलिटी में घुसने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा एक्टिंग आती नहीं है। यू नो, तो उनको लगता है कि थोड़ा सा ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैं अपना 8 पैक दिखा दूँ या उनको मैं बता दूँ कि मैंने कितनी मेहनत की है रोल के पीछे। यू नो, मैं कभी कोई होमवर्क नहीं करता हूँ। यू नो, मैं एकदम खुले दिमाग से सेट पे जाता हूँ और डायरेक्टर की सुनता हूँ बातें। यू नो, और मेरा मोबाइल अलग रहता है। यू नो, और मैं ये कोशिश करता हूँ कि मेरा कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। यू नो, मैं कोई घड़ी घड़ी फ्रूट जूस ना मंगवाऊँ और ये ना करूँ वो ना करूँ। मैं सिर्फ अपना काम में ध्यान देता हूँ और उसके लिए मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारी फिज़िकल चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यू नो, तो अगर मैं दिल से काम करता हूँ तो वो सामने नज़र भी आती है। क्योंकि जो भी एक्टिंग सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपको देखते हैं, नसीर साहब को देखते हैं, बच्चन साहब को देखते हैं। आपको जानना चाहेंगे आपसे कि आप किनको अपना आइकन मानते हैं और कौन सी फिल्म है जो आपकी हमेशा फेवरेट रही है और जिनको आप लुक अप करते हैं? ऐसी कोई ख़ास फिल्में नहीं है जो जिसको मैं ऐसे लुकअप करता हूँ या ऐसे कोई पर्सनालिटीज़ नहीं है जिनको मैं फॉलो करता हूँ या जो मेरे लिए मेरे घर में उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। यू नो, ऐसे कोई भी नहीं है। यू नो, इट्स जस्ट दैट आई फील कि जिन जिन के आपने नाम लिए हैं वो सब भी अपना अपना काम करते हैं जैसे वो करते आए हैं और मैं भी अपना काम कर रहा हूँ। यू नो, तो कुछ लोगों को कंपैरिजन करना तो वो कर लें, नहीं करना तो ना करें, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। प्रशांत जी, आप थिएटर भी कर चुके हैं, सीरियल फिर आप पिक्चरों में आप दिखाई देते हैं। मैं आपसे एक पर्सनल सवाल करना चाहता हूँ। जब आप छोटे थे, आप टीनेज थे, तब आपको लगा था कि मुझे एक्टिंग करना है, या फिर ऐसा कौन सा लम्हा है जिसकी वजह से आपको खुद के अंदर इन्वेंशन नज़र आया कि मुझे एक्टिंग करना है, एक्टिंग बनाना है, फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है? एक्चुअली एक्टिंग जो है सीरियसली जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कि इट वॉज शव्ड डाउन माई थ्रोट। यू नो, मेरे एक्चुअली जब मैं दिल्ली में था तो एक सरदार केतन मेहता की यूनिट आई थी, सरदार पटेल, तो मैं 1-1.5 साल जो है समीर चंदा का असिस्टेंट था। मैं एक आर्ट डायरेक्टर था। देन आई वॉज अ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर फॉर समथिंग, देन आई वॉज केतन असिस्टेंट फॉर सम टाइम। तो मेरा मानना था कि अगर मैं इन सब चीज़ों में मेरा नॉलेज होगा तो आई कैन बी अ वेरी गुड प्रोड्यूसर, लाइक एन इंटरनेशनल प्रोड्यूसर। जो यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूसर का कॉन्सेप्ट क्या है कि वो थोड़ा पैसा ऑर्गेनाइज करता है, वो बट बाहर जो प्रोड्यूसर जो होता है वो हर एक चीज़ में उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है और मैं उस तरह का एक प्रोड्यूसर बनना चाहता था। मैं तो मेरा एक प्ले प्रेमचंद का मैं कुछ प्लेस डायरेक्ट कर रहा था उस टाइम पे। तो मेरे एक्टर्स हुआ करते थे, हमारे आजकल के डायरेक्टर हैं अनुराग कश्यप और एक और एक्टर जो मैं भूल गया। तो नहीं, मनोज के साथ मैं दिल्ली में थिएटर करता था। मैं मनोज, आशीष विद्यार्थी, पीयूष मिश्रा, ये लोग सब मेरे साथ में थे उधर, तो उनके टच में नहीं हुए। तो यहाँ पे मैं तो भरत रंगाचार्य एक बहुत बड़े सीरियल बना रहे थे परिवर्तन करके GTV पे, तो ये लोग गए थे वहाँ पे उनको ऑडिशन देने के लिए और चूँकि मैं डायरेक्टर था उस प्ले का तो मैं भी गया था उनके घर पे। थोड़ा सा मैंने उनका फर्नीचर वगैरह थोड़ा इधर उधर करके मैंने बोला कि ये लोग मेरे एक्टर लोग हैं, ये इनके एंट्री एग्जिट्स के लिए यू नो मुझे ये लोग प्ले के बाद जो है आपको आपका फर्नीचर वापस लगा देंगे बोल के बेस्ट ऑफ लक बोल के मैं चला गया था। तो उनको प्ले अच्छा लगा भरत को, फिर उन्होंने इनको पूछा कि यू नो कि वो जो पहले जो आया था वो कौन था। यू नो, तो अनुराग ने बोला कि वो हमारे डायरेक्टर थे भाई। तो उन्होंने बोला कि इज एन एक्टर ऑल्सो, सो उन्होंने बोला कि नहीं वो एक्टिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। यू नो, तो विच इज़ ट्रू, आई रियली डिडंट वांट टू बी एन एक्टर। यू नो, तो पता नहीं क्यों भरत को ऐसा लगा कि मुझसे मिलना चाहिए। तो मैं 2 हफ्ते उनसे भागता रहा। मैं यू नो कि मुझे हर जगह से इन्फॉर्मेशन आ रहा था कि यू नो ही वांट्स यू टू कॉल हिम एंड ऑल दैट। मैं भागता रहा इधर उधर, मैं उनको अवॉइड कर रहा था, लेकिन किस तरह उन्होंने मुझे पकड़ लिया। यू नो, और फिर परिवर्तन में एक ऐसा रोल मुझे सुनाया जो विच वॉज वन ऑफ द मेन रोल्स और बहुत ही एक्साइटिंग रोल था वो। और बस अब उन्होंने ऐसा कर दिया और it was very strange because 3-4 हफ्ते में जो है that serial became so popular, you know, और मैं हकलाता था उस time पे, you know, as in character के लिए, you know, तो लोगों को really लगा कि यार ये किसको ले लिया है जिसको बात भी नहीं करना आता है, you know, उसको इतना बड़ा role दे दिया है, you know, and all that. So it was quite an interesting transition for me to become an actor and then lots of things, ऐसे ऐसे तो actor. इतने सारा काम करने के बाद फिल्में, नाटक और थिएटर, आपको अपना ही कोई काम जो बेहद पसंद आया हो जिसको आप कहते हैं यार ये तो मैंने बहुत अच्छा कर दिया, समथिंग जैसे मर्डर में आपने वो विलेन किया था, लोग काफी डरे, बच्चे रोए, हाँ, कुछ ऐसी चीज आप पे याद, औरतें दूर भागी बताना चाहिए फिल्म में आपकी, इसलिए चूँकि मैं ज़्यादा काम नहीं करता हूँ, यू नो, तो मुझे लगता है कि मेरे पास हमेशा काफ़ी सारा गैप रहता है हर प्रोजेक्ट के बाद में, यू नो, सो मैं फटाफट जो है 2-3 शिफ्टों में अलग अलग फिल्में, अलग अलग टेलीविज़न प्रोग्राम्स करता हूँ. इवन व्हेन आई एम डूइंग टेलीविज़न मैं एक ही टेलीविज़न का एक पर्टिकुलर वो करता हूँ. मैं बहुत रेयरली जो है मैं 2-3 काम एक साथ करता हूँ. मैं तो मुझे लगता है कि इवन 1-1 घंटे का एपिसोड जो मैंने किया हुआ है, दे आर ऑल्सो वेरी स्पेशल एपिसोड्स टू मी, यू नो. और मैंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोगों के साथ काम किया है और ऐसा कुछ अभी आप वही वाली बात है कि आप एक माँ है जिसके 4 बच्चे हैं, आप उसको पूछ रहे हो कि मतलब आपके 4 बच्चे हैं, इसमें से सबसे फेवरेट कौन सा है, यू नो. तो ऐसे ही मेरे लिए मेरी 38-40 फिल्में हैं. कोई परफॉर्मेंस जो नाम ले लीजिए जो आपको रैंडमली याद आ रही है जो बहुत सी. मेरा एक बहुत ही छल एक फिल्म है जो मेरी पहली फिल्म थी, यू नो, छल है, वैसा भी होता है. देन एक जर्मन फिल्म मैंने किया था, शार्ड्स ऑफ टाइम, यू नो, मैं और इरफान है उसमें, यू नो. सो उसमें बंगाली सीख के मैंने वो फिल्म किया था और वो डायरेक्टर जो है ऑलरेडी ऑस्कर वगैरह जीत चुके थे वो, तो उनके साथ काम करके, पूरा जर्मन यूनिट के साथ काम करके भी जो है जो द काइंड ऑफ स्ट्रेस दैट इट वाज टू शूट ओवर देयर इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, सिंग साउंड वो भी, सो और वो इतना कमाल की फिल्म निकल के आई वो. तो अगर आप देखेंगे इट्स कॉल्ड शैडोज ऑफ टाइम, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. बहुत सारी फिल्में एक्चुअली जो मेरे बहुत ही दिल के करीब हैं एक्चुअली. सो मैं मर्डर 2 जो है वो काफ़ी पॉपुलर हो गई है, यू नो, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ प्रोडक्शन बैनर दैट इट वाज मेड एंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ महेश एंड मोहित एंड ऑल दिस पीपल. तो उससे पहले भी बहुत सारी फिल्में, डिशकियाम, एक कुछ 3-4 मेरी फिल्म्स हैं जो अभी भी अनरिलीज हैं, बहुत ही खूबसूरत फिल्में हैं वो सब. द वाइट एलिफेंट, अभी एक फिल्म आने वाली है, देसी बम. बहुत सारा काम है. मैं अभी एक्चुअली मैं बता नहीं पाऊँगा कि, यू नो, कौन सा फेवरेट है. फ्रेडरिक बहुत फेवरेट मेरी फिल्म है क्योंकि इसमें जो रोल है बहुत ही थिन लाइन में राजेश ने इसको लिखा है और अच्छी बात यह है कि वो प्ले मैं ही कर रहा हूँ, यू नो, क्योंकि ज़्यादातर एक्टर्स को जैसे ही मौका मिलता है कि यार अरे यार इसमें तो बहुत भयंकर डायलॉग है मेरे, बहुत ऐसा ऐसा ऐसा, तो मैं इसको ज़रा खुल के ज़रा पब्लिक के लिए मतलब मैं ना ताली बजवा दूँगा, यू नो. तो उन सब चीज़ों से मैं हमेशा बचता आया हूँ और इस फिल्म में भी बहुत सुंदर डायलॉग्स लिखे हैं, बहुत पावरफुल लाइंस हैं इसमें और उसको एक थिन लाइन पे प्ले करना बहुत ज़रूरी था, यू नो. तो अच्छी बात यह है कि इस फिल्म में मैं हूँ, यू नो, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको फिल्म देख के. प्रशांत जी, एक दमदार फिल्म बनने के लिए एक दमदार विलेन एंटागनिस्ट का रोल जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट लगता है. आप एक दमदार एंटागनिस्ट स्पेशली उसके लिए जाने जाते हैं. मैं आपसे जानना चाहता हूँ एक विलेन बनने के लिए क्या क्या खासियत की जरूरत होती है, क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं एज एन एक्टर? सबसे पहले बात तो आपको सोचना पड़ेगा कि जब तक फिल्म ख़त्म नहीं हो रही होती है आप हीरो हैं, यू नो, और फिल्म के एंड में जब हीरो आपकी पिटाई करता है तो आप विलेन हैं उस टाइम पे, you know. So it's finally a role you must understand that, you know, that I find roles of heroes extremely boring, you know. मुझे हमेशा लगता है कि, you know, that everything is with the hero, you know. मतलब उस लाइनें भी ऐसी लिखी जाती हैं कि हीरो जो है ज़्यादा हीरो लगे तो